दोस्तों इस वक्त मैं हूँ पानागढ़ के रेलवे कॉलोनी के छठ घाट पर और आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हो कि छठ पूजा की सफाई मतलब छठ पूजा के लिए बहुत जोरों शोरों से सेवा समिति की तरफ से सफाई चल रही है। ये मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों इस छठ घाट पर हजारों की तादाद में हर साल भीड़ उमड़ती है। कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ जो भी आपको एक खाली जगह दिख रहा है ना, मैं आपको सेम इस वीडियो को अपलोड करने के बाद छठ पूजा का जो वीडियो अपलोड करूंगा आप उसमें दोनों में कंपेयर करके देखना। ये जो खाली जमीन दिखाई दे रही है ना छठ घाट की इस तरफ की, आप देख सकते हो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, एक भी नज़र नहीं आने वाला, क्योंकि सब के सब लोगों की भीड़ के वजह से कुछ दिखाई नहीं देगा। दोस्तों ये पानागढ़ का छठ घाट है और काफ़ी जोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है, इसकी साफ़ सफाई की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ पानी को भी कम किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पानी का लेवल कितना ज़्यादा होता है। यहाँ आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ भी देखो पानी का लेवल कभी करीब करीब यहाँ होता है, लेकिन छठ पूजा के समय जो छठ पूजा सेवा समिति है वो यहाँ के पानी के लेवल को यानी वाटर लेवल को बाहर मतलब पानी को बाहर निकाल करके कम कर देती है, जिसके वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस बार भी पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी और लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो मेरे तरफ से भी आप सबको हैप्पी छठ पूजा इन एडवांस। आप देखो आप काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रही है, बहुत अच्छे से सफाई का काम चल रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो हम उपवास करते हैं स्पेशली हमारे माताओं बहनों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना ही उनके पैरों में किसी तरह के कांटे चुभे। क्योंकि हमें पता है कि छठ पूजा के वक्त लोग चप्पल यानी स्लीपर्स पहनकर स्पेशली वो लोग नहीं आते जिनका व्रत होता है, वो खाली पैर ही आते हैं। तो आगे भी हम दिखाएंगे कि आखिर आगे का अरेंजमेंट कैसा है, रास्ते पे क्या अरेंजमेंट चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये मैं चारों तरफ से आपको इस घाट का नज़ारा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बहुत ही बारीकी से बड़े बड़े पत्थरों को हटाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बैठने के लिए फ्लैट ग्राउंड का इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हो मैं चारों तरफ से आपको दिखाऊंगा, जिससे कि अगर आप भी इस तरफ बैठते होंगे, हो सकता है कि आप इस वक्त वीडियो देख रहे हो और आपको भी पता है कि मैं तो इसी साइड बैठता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। आप चारों तरफ देख लो, ये स्टेशन के मंदिर के पास का है जहाँ पर सूर्य देवता भगवान जी का पंडाल बनाया जाता है। आप देख सकते हो जस्ट ये रहा, अभी ये भी बनने को तैयार है पूरी तरीके से और कुछ दिनों में आज या कल बनकर तैयार भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से लेकर आगे तक का जो घाट है यहाँ पर भीड़ तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ रुकने का जगह कम है, क्योंकि यहाँ पर सामने दीवारें वगैरह बहुत सारे हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पर अधिकतर लोग रास्ते की तरफ आ जाते हैं। खैर जो भी हो, शाम का कैसा इंतज़ाम है, लाइटनिंग कैसी है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इसलिए अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।